रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आपके खानों में बरकत दे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बसबूसा। ये अरबी स्वीट है, आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त है, लुक दिख रहा है हमारा, क्रीमी क्रीमी। अब आप देख सकते हैं, मैं खा के देखी, बहुत जबरदस्त टेस्ट है इसका, क्रीमी एकदम से यम्मी टेस्टी, माउथ वाटरिंग है, मुंह में दालते की खुल जाने वाला स्वीट है ये। आप जरूर ट्राई करिए, आप भी खाइए, अपने प्यारों को भी खिलाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बसबूसा बनाना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वर्मीसेली बसबूसा बनाने के लिए मैं पहले 2 एग लूंगी। बिस्मिल्लाह, हम 2 एग में जो है सो 1 कप शुगर ऐड करेंगे। हम बसबूसा बनाने के लिए मेजर जो है सो ये कप से करेंगे, एक एक कप से हम सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे इसमें। अब मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी इसको। हाफ कप मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप क्रीम कोई भी क्रीम ले सकते हैं, 170 ग्राम का है ये कैन मेरा क्रीम का, आपका जो अवेलेबल है वो क्रीम यूज करिए आप। बिस्मिल्लाह, मैं 1 कप मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैं नीडो दूध का ली, मैं आप कोई भी आपका जो अवेलेबल है वो यूज करिए आप। मैं हाफ कप रवा ऐड कर रही हूँ इसमें। कोकोनट पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं 1 कप। अब मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी मैं। अब इसमें मैं दूध भी ऐड करूंगी। 1 कप मैं दूध ऐड कर रही हूँ इसमें। अब मैं इसमें वर्मीसेली सेमी ऐड कर रही हूँ 1 कप। 1 टीस्पून मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। अब हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ऑल इंग्रेडिएंट्स को। अब मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। 4-5 पीस इलायची के लेके मैं पाउडर बना के इसमें ऐड कर चुकी हूँ। अब मैं डिश के अंदर बटर लगा रही हूँ। हम डिश में जितना अच्छी तरीके से बटर लगाएंगे पीसेस निकलने में इतनी ही आसानी होंगी। अब मैं डिश में ये जो है सो हाफ ऐड करेंगे इसमें हम। आप देख सकते हैं मैं इस ये डिश में आधा ट्रांसफर कर चुकी हूँ, आधा इसी तरह से रखूंगी मैं। थोड़ा सा ये पहले बेक करेंगे, फिर उसके बाद हम बेक करवा से बीच में क्रीम डाल के फिर ऊपर ऐड करेंगे। अब मैं बेक के लिए रखूंगी 180 डिग्री पे 3-5 मिनट्स के लिए, सिर्फ थोड़ा सा सेट होने के लिए रखूंगी मैं फर्स्ट। आप देख सकते हैं मैं 3 मिनट्स के बाद निकाल चुके हैं। इस तरह से जम जाना चाहिए, फिंगर्स को नहीं लग रहा, आप देख सकते हैं। अब मैं इस पर क्रीम ऐड करूंगी। क्रीम जो है सो ऑप्शनल है, आप डालना नहीं चाहते तो मत डालिए। जो हम बैटर रेडी करे थे ना, पूरा बैटर डाल के हम जो है सो बेक कर देंगे उसको। मैं क्रीम इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमारे जो हम डेजर्ट बना रहे हैं उसमें क्रीमी टेस्ट ज्यादा आने के लिए। जो हम बटर आधा रखे थे ना, इसी पे डाल देंगे हम ये बटर। जो हम आधा बटर बचा के रखे थे ना, वो भी बटर में डाल चुकी हूँ। जो हमारे डिश गर्म है ना, इसीलिए हमारी क्रीम थोड़ी सी मेल्ट होकर साइड में आ चुकी है। अब मैं इसको बेकिंग के लिए रखूंगी 180 डिग्री पे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से आप मेरा साथ देते रहिए, फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो शेयर करिए। आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अब मैं डिश को 180 डिग्री पे 25-30 मिनट्स के लिए हम बेक के लिए रखेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बसबूसा बेक हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी क्लीन निकली हमारे नाइफ। अब हम इस पर कंडेंस मिल्क डालेंगे। बिस्मिल्लाह, बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इस तरह से इसको कंडेंस मिल्क को अच्छी तरीके से फैला दूंगी। अब मैं इस तरह से पिस्ताची उतार रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं पिस्ताची से गार्निशिंग कर रही हूँ। इसी तरह से आप मेरा साथ देते रहिए,
अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।